सर क्या अब तक का पूरा अपडेट रहा है सर? रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम लोग जो बचा हुआ मलबा है वो हटा रहे हैं। इसमें 11 व्यक्ति शुरू में जो जीवित रेस्क्यू किए गए थे उनमें से एक की TMU के हॉस्पिटल में डेथ हो गई और बाकी 13 लोग यहाँ पर 13 डेड बॉडीज निकाली गई, तो टोटल मृतकों की संख्या वो 14 है और 10 लोग जीवित है, जिसमें से 6 लोग तो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटल से, 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, 3 लोग इसमें से TMU में हैं और एक मेरठ रेफर किया गया। तो सर क्या बचाव कार्य पूरा हो चुका है अभी? बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब हम अंतिम जो कड़ी है वो मलबा यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अभी यहाँ पे सारा कुछ डिस्पोजल करने के लिए पूरी टीम बस लगी हुई है। अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वहाँ नीचे कोई, क्योंकि हम नीचे तक पहुँच चुके हैं, तो अब रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सर, जो जिन फार्मरों का यहाँ पर आलू रखा हुआ था, तो सर ऐसे क्या फार्मर्स के लिए भी कुछ आदेश जारी किए जाएंगे या कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा जिनका नुकसान हुआ इसके? देखिए, अब चूंकि कोई भी कागज़ वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं है, संचालक फरार है, जब पूरी तरह से हम इस पर देख लेंगे कि क्या है सबकी स्थिति, उसके बाद ही कुछ इस पर कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। पर हम अपनी तरफ से प्रशासन बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सभी के हित को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करें।